हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। मैं शेफ ऋषि राज सिंह बवेजा अमृतसर तो अज तुहाडे वास्ते लै के आया एक बहुत ही यूनीक एंड डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है हरियाली पनीर। इट्स नॉट अ टिक्का, इट्स हरियाली पनीर। यह एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनीक रेसिपी है जो कि बहुत ही फेमस है पंजाब दे विच, और इस दे फ्लेवर्स एंड अरोमा है बहुत ही एनहांस करके निकलते हैं। तो आओ स्टार्ट करिए बनाने वास्ते असी हरियाली पनीर। और तुसी अपनी कॉपीज एंड पेन पकड़ लो, रेसिपी नोट कर लो सारे जने, और इन तुसी बाद चो आराम से बनाना। मेरे को 30 मिनट्स है बनाने वास्ते, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग। पैन लाएंगे असी, थोड़ा जहाँ ऊपर हीट कर लीए। इहदे विच आई विल ऐड अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स ऑफ देसी घी मैं ऐड किया है। देसी घी ऐड करने तो बाद मैं कुल 2 चॉप ऑनियनस है जो मैं मिक्सी विच ब्लेंड किए हुए ने, चॉप नहीं है सॉरी ब्लेंडेड ने। Which I have added on one side of this and let the oil be some good enough hot that I have to add on the other side the different masalas. जिधे शून्य में ऐड कर रहे हैं एक तेज पत्ता, थोड़ी सी 8 से 10 काली मिर्चा साबुत, अ पीस ऑफ दालचीनी, लौंग 3 से 4, एक मोटी इलायची और 3 छोटी इलायचियां। एक तरफ मेरा प्याज हो रहा है और सेकंड साइड से मेरे सारे जड़े मसाला से। मैं इसका क्या अलग अलग किए हैं कि मेरा टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। अरोमा जरा काफी निकल के आ रहे हैं, लौंग की खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है, इलायची की भी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। हाय अरविंद, हाय टीपू। Log which we have started on is pyaaz ko 5 to 7 minute lagenge red hone te, aur eh jada main isko live amol de upar live amol show amol the taste of india, aur amol di taraf to sanu amol butter, amol fresh cream, amol pure ghee, amol paneer and amol diya kuch bottles sanu milya ne, and thank you for amol for sending it for us. Until the onion is going to be pink, we will marinate our paneer. उधर वास्ते मेरे को 150 grams of दही, grams of cream. अमोल की क्रीम है बहुत ही बढ़िया एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्रीम, वेरी थिक एंड वेरी नाइस। शिमला मिर्च,
अदरक ते लहसुन की पेस्ट फ्रेश है, एक नींबू का रस, वन लेमन, मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ आवर मसाला, सेम द गैस एंड लेट इट बी गोल्डन ब्राउन। हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टी स्पून व्हाइट सॉल्ट नमक, क्वार्टर टी स्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून गरम मसाला, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च एंड क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर। एंड वी विल मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। एंड दिस इज पनीर हरियाली और मैं इस पनीर के स्लाइसिस ऐड कर रहा हूँ वन बाय वन। एंड फॉर द टाइम बीइंग दो मिनट वास्ते पहले ही मैं मिक्स करता है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर द हरियाली, 5 to 6 ग्रीन चिलीज, ऐसे जैसे ऐड करेंगे पुदीना, साडा जरा आनियन है घी छोड़ना शुरू हो गया। पुदीने के बाद वी विल ऐड पालक, मैं पहले ही थोड़ी सॉफ्ट की हुई है 2 मिनट वास्ते बॉयल करके, तकरीबन 100 ग्राम्स ऑफ पालक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज धनिया कोरिएंडर। ये मैं जार विच ऐड किया धनिया, पुदीना, हरिया मिर्चा और चौथी जड़ी चीज़ हैगी मैं ऐड की ये पालक, असी थोड़ा जहा पानी पाया ये अ लिटल बिट ऑफ वी विल टेक वाटर। ऐसे ऐसे स्मूथ पेस्ट बना लवेंगे। गरम मसाला जरा मैम स्वाति जी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ विच यू मेक एट होम। गरम मसाला इज गुड स्वाति जी विच यू मेक एट होम। See, this is the consistency of the jar. A little water in this. Even consistency chai di chai de vich. And it's ready.
मैम यू कैन चेक द वीडियो वंस अगेन निशा जी एंड एंड नाउ साढ़ा जरा प्याज है रेडी हो रहा है बस एंड we will take the another pan and we will add a little desi ghee See, our onion is going pink. This is not Shriyaji, this is not palak paneer. This is haryali paneer. Paneer haryali. And we will take out the pieces of paneer. And we will saute it a little shallow. Beautiful. Very nice and awesome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La la la. Ah ha 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 ha. Desi ghee da te maza hi vakhra ji. Swaad hi alag hai desi ghee da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lao ji, abar onions are ready. They are well browned now. And now we will add this marination. In the onion. जिन्हें भी मसाले ऐसी पाए सी नमक मिर्च ईच एंड एवरीथिंग जो साडा मैरीनेशन सी वो असी इहदे विच ऐड कर दिया. And now we are cooking on the both sides. Ma'am, palak paneer de aur haryali paneer difference hai va ke ode vich dhaniya nahi penda, pudina nahi penda, sirf palak pendi aur palak a lot of palak. And we have added shimla mirch. Bell peppers in this. प्लीज पनीर को हल्का जहा टर्न कर लेंगे. वी हैव टू सॉटे द पनीर नॉट टू डू इट गोल्डन ब्राउन. ऐसी इस करके कर रहे हैं कि हल्का जहा मैरिनेशन जो लग जाए एंड सैकेंडली हल्का 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 सॉफ्ट एंड गोल्डन हो जाए जरा जरा.
द नेम ऑफ द डिश इज पनीर हरियाली, हरियाली पनीर। ओके जी, मैं होर उच्ची बोलने की कोशिश करदा। हम असं उपरों कवर कर देंगे लाइक दिस। साडा पनीर असी 2 to 3 minutes वास्ते सौते कर लिया एंड इट्स डन। मैं यदा जी गैस है बंद कर देंगे। इट्स रेडी एंड नाउ वी विल वेट and we will wait till our gravy is getting ready. So let's talk about the dish. This is a Punjabi dish, paneer haryali. It's not a tikka, it's only paneer haryali. It's a Punjabi dish. You can enjoy it with naans, बटर नान, रुमाली रोटी, सिंपल रोटी। और बहुत ही यूनीक डिश है, डिफरेंट है, जो ये मैं मसाला सैट किए ने लौंग, दालचीनी, इलायची, मतलब इट एनहांस द फ्लेवर्स एंड इट्स वेरी गुड। और जो मेरा सोचना है, कुकिंग इज एन आर्ट एंड वी शुड कुक द डिश वेरी प्रॉपरली, वेरी सिमिलरिटी एंड वेरी सिंपल। जिन्हें असं अपने डिश में सिंपल रखांगे ओनी टेस्टी एंड ब्यूटीफुल बनेगी। सी इट्स बॉइलिंग अप एंड हल्का हल्का जो है ग्रेवी घी छोड़ना स्टार्ट हो गई है, बट वी विल वेट, वी हैव टू प्रॉपरली मेक इट अप। Amul has given us a beautiful milk to drink it up, but still it's not properly chilled, so I will take it afterwards, and it's also very nice. It takes some time to cook. So basically I am from Amritsar and you tell me what of the tips you like which I have used in this gravy, because it's a little different gravy and most probably this is my 3rd or 4th attempt with Amul in this kitchen, in their kitchen. देखो जी ग्रेवी जी है हल्का हल्का ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गई है। इट विल टेक मोर 5 to 7 minutes, एज ए 5 to 7 minutes होर चाहिए है जी ग्रेवी रेडी होने वास्ते। सो वी हैव टू वेट फॉर 5 to 7 minutes। साडा पनीर तैयार है, असी करके रख लिया, असी अलग अलग कर दिया। वी हैव असी 3 to 4 steps अलग अलग यूज किए ने इन बनाने वास्ते, बिकॉज टाइम सेविंग वास्ते मैं प्याज और खड़े मसाले इकट्ठे ही मैं जेडे सीगे मैं। हाँ जी जी ग्रेवी दे विच वी हैव ऐड देसी घी और उस तो बाद 2 प्याज पाए ने और खड़े मसाले पाए ने, लौंग, इलायची, दालचीनी, और उस तो बाद क्रीम है, दही है और सारे मसाले ने जिन्हें भी नमक, मिर्च, हल्दी असी नहीं पावांगे ये, क्योंकि असी इन ग्रीन रखना है, अगर हल्दी पावांगे तो कलर चेंज हो जाएगा। लो जी साड़ी जोड़ी ग्रेवी है, इन्हें अपना घ्यो जरा छोड़ दिता है एंड इट्स नाउ बीइंग रेडी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आह
क्या बात है, एडी जड़ी खुशबू है, मैं तुम्हें दस नहीं सकता इस वे जो लौंग की और इलायची की खुशबू निकल के आ रही है वो कमाल दी है। और असी है ऊपर का कैमरा एंड फिर पिछड़ धनिया पुदीना हरी मिर्च पालक ये चार चीज़ों का ग्रीन कलर आ रहा है एंड माय डिश इज रेडी। क्या बात है, क्या बात है जनाब, लो जी हम ऐसे कर दिए प्लेटिंग। जरा आपने अपने टंग संभाल के, मैं पता था मुझ पानी आ लिया इस वे हाँ जी, किस तरह की डिश बनी है कमेंट करके दस दो जरा प्लीज। द फ्लेवर ऑफ इलायची एंड ब्लैक पेपर काली मिर्च, ओहो एक्चुअली द अरोमा इज वेरी नाइस। लाच थोड़े जी असी अदरक के टुकड़े पा देंगे जिंजर जूलियट्स एंड अमल दट्टे, ओ हो सोने पे सुहागा। लो जी ये उपर असी हल्की जी जी क्रीम की स्प्रिंकल एंड यू कैन सर्व इट लाइक दिस। इन्होंने हल्का जहा लच्छेदार प्याज और नींबू किया मैं और हम साड़ी जी डिश है कंप्लीट है। इन तुम गार्निश कर सकते हो विद क्रीम देखो जी किस तरह की डिश बनी है। अगर मुझ ते पानी आ रहा है तो यू कैन कम टू मी, वी कैन हैव इट टूगैदर ऑल्सो एंड इट्स वेरी नाइस। थैंक यू फॉर ऑल फॉर दिस ब्यूटिफुल opportunity। Lunch. This is my dish, Haryani paneer with full lot of desi ghee and it's full rich. Hun eno taste kita jave mere channel na. Aao ji tusi taste karoge ya main taste karanga। It's truly hot. मैं टेस्ट कर रहा हूँ। It's really awesome. आज सारे जने तुसी अपने घर से रात को बनाओगे एंड यू विल पोस्ट मी पिक्स ऑन माई मैसेंजर ऋषि राज सिंह बवेजा ऑन फेसबुक एंड आई वॉन्ट टू सी यू कुकिंग दिस। दिस इज वेरी ऑसम डिश, यू कैन एंजॉय इट विथ बटर नान, रुमाली रोटी,
लच्छा परौंठा सिंपल पराठी इनू तुसी खाओ और आज इंजॉय करो। वंस अगेन लुक एट द थिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम, बहुत वधिया। हाँ जी जी, एंड थैंक यू फॉर अमोल फॉर सेंडिंग मी ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच। एंड जी इतने मेरा शायद टाइम हो गया, कि टाइम रह गया 2 मिनट है, चलो 2 मिनट वी विल टॉक। कोई भी तुसी डिश बना रहे हो उन्होंने बहुत सेटिस्फैक्टरी और बहुत प्यार ना बनाओ, जिन्हें प्यार ना तुसी अपने कोई भी डिश बनाओगे वो बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही नज़ारेदार बनेगी, लाजवाब बनेगी। कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए डिश बनाने में, और खास करके फूड एक ऐसी चीज़ है, तुसी कुछ भी बना रहे हो, कुछ तक वो फ्रिज विच पे है, यू कैन मेक इट प्रॉपरली। कोई भी चीज़ चावल पे है तुसी उहदे च उन्होंने तुम फ्राइड कर सकते हो, एग पे है एग बना सकते हो, कोई फ्रेंकी बनानी है फ्रेंकी बना सकते हो, कुछ भी तुसी, मतलब यू हैव मल्टीपल थिंग्स ऑफ विद यू इन द रेफ्रिजरेटर, अगर तुसी बनाना चाहो यू कैन मेक ईच एंड एवरीथिंग। और थोड़े से भी तुसी बहुत टेस्टी जैसी डिशेज बना सकते हो, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कीप द रेसिपी सिंपल, एंड सेकेंडली वेन यू आर कुकिंग कुक वेल, थोड़ा बनाओ पर अच्छा बनाओ, कि जो घर तेरे मदर फादर तेरे हसबेंड जो भी घर ने, मतलब एक बार कहन वाकई यार एक रेसिपी बनाई है और उन्होंने तैयार की है, बस मैं और कुछ नहीं कहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी लाइव, एंड थैंक यू अमोल फॉर अ सो मच ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच जी।